गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रेरणा निषाद, आई एम योर साइंस टीचर. दिस इज़ योर कवर पेज ऑफ योर बुक एंड द कंटेंट इज दिस. टुडे वी कंटिन्यूड द चैप्टर फर्स्ट एंड द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, किस लिए? सर्वाइवल करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए और बढ़ते रहने के लिए. एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फूड टू एनिमल्स. ह्यूमन बीन प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड मैनी अदर थिंग्स लाइक वुड फॉर शेल्टर, फ्यूल, फर्नीचर, विच आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स. इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको खाना चाहिए होता है और ऑक्सीजन होता है क्या, सांस लेने के लिए. प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फूड टू एनिमल. प्लांट्स क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और खाने के लिए, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब हमें किससे मिलता है? प्लांट्स से मिलता है. प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड मैनी अदर थिंग्स लाइक वुड फॉर शेल्टर, फ्यूल, फर्नीचर, विच आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स. हमें प्लांट से क्या मिल रहा है, जैसे उसकी लकड़ी हमारे किस काम में आ सकती है, शेल्टर बनाने के आ सकती है. फ्यूल मतलब गांव में क्या होता है, लकड़ी जला के खाना बनाया जाता है. फर्नीचर, इससे हम अपने घर के बहुत सारे फर्नीचर बनवा सकते हैं, जैसे डोर्स हो गए, सोफ़ा हो गए, बेड हो गया, अलमीरा हो गई, ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत की चीज़ें ही तो हैं जो हमें क्या करते हैं, प्लांट से प्रोवाइड होते हैं. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्लांट्स को क्या होती है, ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. किस लिए ज़रूरत होती है? अपना खाना स्वयं बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो, उनको कोई खाना बना के तो नहीं देता है ना बच्चों, वो अपना खाना सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, इन सब से मिला के खुद ही बनाते हैं और वो ग्रोथ करते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स प्रोवाइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड. जो जानवर होते हैं और जो हम लोग हैं इंसान, ये हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने नाक से छोड़ते हैं सांस लेने के समय में, वही प्लांट्स को ज़रूरत होती है. ये अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाते हैं. हेंस टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, सर्वाइवल ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेसेसरी. देखिए, अब हमें इससे क्या पता चलता है कि जो नेचर है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए. इसके लिए क्या है, प्लांट्स और एनिमल दोनों ही नेसेसरी हैं. आप सोचिए, जब हमारे पास प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन किससे मिलेगी? और जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे. और जब हम ही नहीं रहेंगे तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? इसलिए हमारे लिए प्लांट्स और प्लांट्स के लिए हम ज़रूरी हैं. वी शुड पार्टिसिपेट इन ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज़ टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. इसे बच्चों क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस. ये वर्ड होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी एसेंशियल, मतलब जैसे हमें पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पेड़ लगाएंगे तो वो हमें ऑक्सीजन देंगे, और इंसानों को स्वस्थ रहना चाहिए जिससे वो अच्छी सांस ले सके. सांस रहेगी तो हम क्या करेंगे, जिंदा रहेंगे, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा वो हमारे प्लांट्स के लिए यूज़ होगा. तो दोनों का जो इस दुनिया में जगह है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है. दोनों को ही होना क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस कहलाता है. ठीक है बच्चों, देखिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं. जैसे कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब होता है, 5 जून को होता है. ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए है, इसका कोई यूज़ नहीं है बच्चों. इसके बाद आपको हम एक्सरसाइज करवाएंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.